नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम एडिवेट ग्रास से और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल शशियन गौतम किचन गार्डनर्स पर। पिछले हाइड्रोपोनिक के वीडियोस में जो हमने न्यूट्रिशन सॉल्यूशन यूज़ किया था उसके बारे में बहुत से हमारे व्यूअर्स ने जानकारी मानी थी, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप अपने यहाँ पर कैसे हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिशन सॉल्यूशन को बना सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बिगनर्स है, जिनको इस तरह के आइडिया नहीं है काम का, तो वो ऑनलाइन जाके भी हाइड्रोपोनिक तैयार बना हुआ सॉल्यूशन खरीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन को बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आपको आना चाहिए कि आप पानी का TDS को कैसे मेज़र करें और उसको कैसे एडजस्ट करें। आपको आना चाहिए कि आप पानी के pH को कैसे मेज़र करें, कैसे नापें और उसको कैसे ऊपर या नीचे करें, एडजस्ट करें। इन सब चीज़ों को करने के लिए आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि TDS मीटर, pH मीटर और टेम्परेचर मीटर। ये मीटर आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इनका प्राइस रेंज काफ़ी वेरी करता है सेलर टू सेलर। कोई सेलर इसको 200-300 में बेच रहा है, कोई सेलर इसको 2000 का, 4000 का, 6000 का भी बेच रहा है। तो आप जो जेनरिक बेगर ब्रांड वाले जो हैं सेलर, उनसे आप ले लीजिए। रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि वो जो सामान बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो आप उनसे ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में जो डिटेल में जानकारी आगे इस वीडियो में आपको देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए वो है TDS। TDS मतलब कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। जैसे एक कोई भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, हम लोग रोज़ जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसमें एक सबसे सिंपल सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग नींबू की शिकंजी बनाते हैं, लाइम वाटर बनाते हैं, उसके अंदर नमक या चीनी डाल के उसको नमकीन या मीठा करते हैं। तो जब हम उसमें ज़्यादा चीनी डालते हैं तो इसमें जो चीनी की मात्रा ज़्यादा जाती है वो ज़्यादा मीठा होता है, कम चीनी डालते हैं तो हल्का मीठा होता है। उसी तरह से जो है पौधों के लिए न्यूट्रिशन सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र डालते हैं जो पानी में जाकर घुल जाते हैं। तो जब हम उसमें ज़्यादा मात्रा डालते हैं फर्टिलाइज़र की, तो उसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड यानी कि जो उसके अंदर में डिजॉल्व फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी जो TDS वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है। जब हम उसमें कम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसकी जो TDS वैल्यू है कम हो जाती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। कुछ पौधे हैं जैसे टमाटर वगैरह, उनको ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, जैसे कि 1400 से लेकर 3400 तक। कुछ एक आपके जैसे खीरा है, उनको थोड़ा कम चाहिए होता है, 1100 से लेकर करीब 1500 तक। एग्जैक्ट रीडिंग्स आप नेट पे ढूंढ सकते हैं। तो उसको कम ज़्यादा करने के लिए हमें इसमें कम मात्रा में खाद डालनी पड़ती है, ज़्यादा मात्रा में खाद डालनी पड़ती है। तो उसको चेक करने के लिए हमें TDS मीटर का चाहिए होता है। जब हम इसमें मात्रा में खाद मिला देते हैं उसके बाद में हम उसमें TDS मीटर डाल के चेक करते हैं कि इसकी TDS वैल्यू कितनी है। तो TDS वैल्यू से हमें पता चलता है कि इसमें हमें और खाद डाल के इसको और ज़्यादा TDS वैल्यू को ऊपर करना है या थोड़ा पानी मिला के इसकी TDS वैल्यू को कम करना है। इसी चीज़ को मैं आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। हमने 500 ml पानी में जो हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन की रेशियो के हिसाब से 2 ग्राम NPK, 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 1 ग्राम इप्सम सॉल्ट मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद में जो 500 ml में इसकी TDS आ रही है वो आ रही है 2811 ppm। इसमें अगर मैं पानी मिलाता हूँ 200 ml और, तो इसकी जो TDS है वो कम होनी चाहिए। तो 200 ml पानी मिलाने के बाद में इसकी जो TDS हमने नोट की वो आ रही थी 2477 ppm। यानी कि जैसे हमने इसे पानी मिलाया तो इसकी जो टोटल रेशियो थी डिजॉल्व सॉलिड्स की, जो कि फर्टिलाइज़र है हमारे केस में, वो कम हो गया। तो रीडिंग भी उसके साथ में कम हो गई। इसमें अगर मैं और पानी मिलाऊंगा तो पानी के हिसाब से जो इसमें जो सॉलिड मिले हुए हैं और कम हो जाएंगे रेशियो के हिसाब से, तो इसकी TDS और कम हो जाएगी। जैसे मैंने इसको पूरा 1 लीटर कर दिया, 500 ml सॉल्यूशन में 500 ml पानी मिलाया, तो इसकी जो रीडिंग आ गई 2080 ppm। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम इसके अंदर में पानी मिलाते जाएंगे तो इसका जो TDS कम होता जाएगा। तो उन प्लांट के लिए जिसमें TDS कम चाहिए तो उसमें आप पानी मिलाएंगे। जिस प्लांट में सॉल्यूशन से TDS ज़्यादा चाहिए उसमें आपको फर्टिलाइज़र और मिलाना पड़ेगा, जिससे रेशियो फर्टिलाइज़र के पानी के हिसाब से ज़्यादा बढ़े और TDS वैल्यू भी इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। TDS के बाद जो दूसरी चीज़ आपको देखनी है वो है पानी का pH। पानी का pH अगर कम या ज़्यादा होगा तो जो कितनी भी न्यूट्रिशन आप इसमें डालें सॉल्यूशन में, वो पौधा आपका एब्जॉर्ब नहीं कर सकता अपनी ग्रोथ के लिए। पानी की pH को कैसे एडजस्ट करना है उसके लिए हमारे चैनल पे 2 वीडियोस हैं, उनको आप देख के सीख सकते हैं। यहाँ पे जो pH की रीडिंग आप देख रहे हैं वो 6.2-6.3 के आसपास आ रही है, थोड़ी ज़्यादा है, अल्कलाइन है। तो उसको कम करने के लिए आप इसमें सीट्रिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं बूंद बाय बूंद और pH को लोअर कर सकते हैं। आज के वीडियो जिसमें आपने देखा कि कैसे आप हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन अपने यहाँ पे तैयार कर सकते हैं और उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, TDS को मेज़र करना, एडजस्ट करना, pH को मेज़र करना,
एडजस्ट करना, वो आपने वो भी सीखा। इसमें हमारी पूरी कोशिश रही कि टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया जाए, लेकिन काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं, तो आप कमेंट्स में आप अपनी क्वेश्चंस जो लिख के उसको पूछ सकते हैं। ये जो आपने हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए जो इसमें देखा, कैल्शियम कार्बोनेट, इप्सम सॉल्ट, एनपीके, वो मेरी साइट्स पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से मंगवा सकते हैं। उसके अलावा नेट पॉट अगर आप हाइड्रोपोनिक के लिए चाहते हैं, वो भी मेरी साइट पे अवेलेबल है। उसके अलावा अच्छी क्वालिटी की प्रीमियम ऑर्गेनिक खाद काफ़ी अच्छे उचित दामों पे, वो भी मेरी साइट पे उपलब्ध है। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार आप मेरी वेबसाइट पे जाके विजिट करें, वहाँ पे जो अवेलेबल सामान है उसको देखें, और कोई चीज़ आपकी ज़रूरत की हो, पसंद की हो, तो उसको मंगा के हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा और शशि का आप सबको नमस्कार।